हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉर डिज़ाइंस में। और आज हम बनाएंगे चिकन की कुर्ती पर एलिगेंट सा नेक डिज़ाइन। और इसे बनाने के लिए मैंने 4 इंच टोटल बुकरम ले लिया और 3 इंच मेरे गले की चौड़ाई है और 7 इंच गले की जो है लंबाई है। और मैंने ऐसे ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, 3 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा। और नीचे मैंने जो है नेक की 2 इंच जो डिज़ाइन बनाना है उसकी 9 इंच मैंने ले ली है लंबाई, और टोटल 16 इंच। और आधा आधा इंच छोड़ के मैंने ऐसे ये एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद जो कटिंग के लिए हमने बाहर जो मार्जिन छोड़ना है वो मैंने आधा आधा इंच पे ऐसे मार्क कर लिया है। और ऊपर जो गले की शेप है वो मैंने इस तरीके से गोल बनानी है। और ये देखिए इस तरीके से आप फ्री हैंड गोल शेप ड्रॉ कर लिया। और बाहर कटिंग के लिए मार्जिन ये मैंने गला कट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस गले को कटिंग कर लेंगे। पहले हम बाहर वाली साइड कटिंग कर लेंगे। अब ये मैंने अंदर वाली कटिंग कर ली है। अब हम ये देखिए ये कटिंग हो गई। अब मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े पर मैंने इसको पिंस की हेल्प से चिपका लिया है। और अब इसके साथ में मैं से सिलाई लगा दूंगी इसको फिक्स करने के लिए। ये देखिए किनारी किनारी पे हमने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ कोने में हमने सुई को कपड़े के अंदर रख के ही टर्न करना है, तभी अपने कोनों की फिनिशिंग आएगी। इसके बाद हमने बाहर वाली साइड पे कट लगा के, ये देखिए बाहर वाली साइड यहाँ पे गोलाई है, मैंने वहाँ पे कट लगा लेने हैं ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन को हमने जैसे नॉर्मली गला बनाते हैं वैसे ही हमने फोल्ड करके, अब ये मैंने शर्ट की फ्रंट साइड ले ली है और इसकी सीधी साइड ऊपर रख के, और ये देखिए सेंटर पे मैंने मार्क कर लिया है। अब मैंने पूरे गले पर सेंटर का मार्क कर लेना है। अब शर्ट की सीधी साइड पे गले की सीधी साइड, दोनों सीधी साइड आपस में मिला के हमने ये देखिए सेंटर के साथ सेंटर मिलाकर मैंने एक जो कच्ची सिलाई लगा लेनी है, ये देखिए सेंटर में। और सेंटर में जो हमने मार्क लगाया और शर्ट की सेंटर पे भी हमने मार्क लगाया, उन सेंटर्स को मिला के हमने ये सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आप नीचे चेक करते जाएं कि शर्ट का सेंटर और गले का सेंटर जो है वो आपस में पूरा मिला हुआ है। अब हमने इसको निकाल के, ये देखिए ये मैंने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब मैं कपड़े को निकाल लूंगी और इसके बाद मैंने जो पक्की सिलाई गले पर लगानी है वो इस तरीके से हमने ये देखिए गले की और जो बुकरम के बिल्कुल कपड़े के नीचे किनारे पे मैंने इसके पूरे राउंड में ये देखिए सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी कच्ची, उससे हमारा कपड़ा जो है वो हिल नहीं रहा है, ये देखिए। देख मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हमने क्या करना है, जो सेंटर का
हमारा जो फालतू कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, पैर पैर इंच छोड़कर मैंने पूरे गले की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पैर पैर छोड़ के पूरा जो एक्स्ट्रा सेंटर में जो कपड़ा है वो हमने कट कर लेना है। दोनों तरफ से हमने पैर पैर मार्जिन रखते हुए ये कटिंग कर लेनी है। और हमने यहाँ कोने बनाए हुए हैं वहाँ पे कट लगा लेने हैं, जो हमें गला उठाने में आसानी हो और फिनिशिंग हमारी अच्छी है। ये देखिए, कोनों में मैंने इस तरीके से और जो गोलाई है वहाँ पे भी इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ये देखिए, गोलाई और कोनों में दोनों में अब कट लगा ले। और इसके बाद हमने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हमने लगा के गले को उल्टा के मैंने जो है वो प्रेस कर लिया है। ये देखिए, प्रेस करके अब हम इसमें एक कॉटन की जो सिंपल लेस बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, ये कॉटन की कुर्तियाँ पे बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों की कॉटन की कुर्तियों में। ये देखिए, लेस मैंने जितनी दिखानी है उतनी हमने छोड़ के बिल्कुल साथ साथ किनारी में गले की सिलाई लगानी है। जितनी आपने लेस को दिखाना है उतनी आपने छोड़ के, और ये लेस ध्यान रखें कि बिल्कुल बराबर छोड़नी है पूरे गले पे। इस तरीके से लैस को जैसे जैसे गला गुलाई आते गुलाई पे घुमाते जाना है, और हमने बराबर जो है वो लैस लगाते जाना है। जो बिगिनर्स हैं वो इस लैस को कच्चा भी कर सकते हैं सुई धागे की हेल्प से। ये देखिए, इस तरीके से हमने लैस को घुमाते जाना है गुलाई पे। गुलाई पे लैस जो कपड़ा है वो दोनों बराबर रखनी है, खींचना नहीं है लैस को। ये देखिए, लास्ट में यहाँ पे हमारी लैस ख़त्म होती है, वहाँ से हमने लैस को काट लेना है। फिर दूसरी तरफ से हमने दोबारा से लैस को शुरू करना है, क्योंकि हमने लैस को घुमाना नहीं है। यहाँ पे हमने ये देखिए लैस को यहाँ पे कट कर लिया, और लास्ट में गुलाई पे हमने ये देखिए कोने में सुई रखते हुए घुमा के हमने फिर से लैस को, क्योंकि हम ये देखिए हमने लैस की जो गुलाई बनी है लैस के आगे राउंड बने हैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाना है। मिला के ही हमने दूसरी तरफ से लैस रखनी है। ये देखिए, दोनों तरफ के जो लैस का गोल डिज़ाइन बना हुआ है वो मैच करा के सामने उसी तरीके से हमने दूसरी तरफ को तरफ से भी लैस को घुमा लेना है। अब ये देखिए, मेरे गले की लैस कंप्लीट हो गई है। अब हम सेंटर में जो गला है उसको फिक्स करेंगे। अब सेंटर में मैंने एक पट्टी बना ली है, ये 2 इंच की मैंने 1 इंच हमने सेंटर में छोड़ा था। आप 2.5 इंच 2.5 इंच की पट्टी बना सकते हैं। और स्टार्ट यहाँ से मैंने गला बंद करना है, वहाँ से पट्टी रख के हमने ये देखिए मैंने इस तरीके से ये पट्टी को फिक्स कर लेना है। बिल्कुल साथ साथ में जो हमारी पहली लैस की सिलाई है उसी के ऊपर हमने ये सिलाई लगा के, ये देखिए इस तरीके से मैंने दूसरी तरफ से भी पट्टी को फिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने कपड़े को घुमा के फिर दूसरी तरफ से भी फिक्स कर लेना है। और ये ध्यान रखें कि जो लैस की गोलाई है वो एक दूसरे के सामने मैच होनी चाहिए। ये देखिए, मेरा नेक यहाँ पे ये बन के कंप्लीट हो गया है।
और इसमें मैंने, आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, बटन या मोती, मैंने इसमें मोती लगाए हैं बाजार में काफ़ी। ये देखिए मेरा गला बनके रेडी हो गया है।